जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो ये देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। मुंबई में NTS ने पुसद से बचत को लगाया धरना, कपास को 75,000 दाम मिलने की संभावनाएं, 12 वर्षीय नाबालिग के साथ हुआ बलात्कार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई में NTS से पुसद से वचित को धर लिया गया। यवतमाड़ में जगतपुर जयपुर निवासी मोस्ट वांटेड आरोपी करण सिंह दलारपुर जसवाल को मुंबई के आतंकवाद निरीक्षक दस्तक ने पुसद से गिरफ्तार किया है। आरोपी करण सिंह जसवाल पुसद के एक प्रतिष्ठित कोचिंग क्लास के बच्चों का पढ़ाना रहता था। 2021 में उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, तभी वे वहां से फरार था। आतंकवाद निरोधक दस्त सभी उसी वक्त की खोज में जुटे हुए थे, लेकिन अब जाकर का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ है। इसके बाद मुंबई से आतंकवाद निरोधक दस्तक से बुधवार की सुबह पुसद में गिरफ्तार किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कपास को 75,000 दाम मिलने की संभावनाएं। यवतमाड़ में इस बार कपास का अच्छा उत्पादन होने से इसे अच्छा दाम मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि नए खरीदी सीजन का कपास अभी बाजार में नहीं पहुंचा है, पर विदर्भ के कुछ स्थानों पर 2023 के सीजन के कपास को 7,800 रुपए दाम मिल रहा है। सरकी और सरकी टेप के दाम बढ़ गए हैं। सरकी का स्टेप 74,000 रुपए को सरकी टेप का दाम 4,000 रुपए से ऊपर बताया गया। कपास का उत्पादन भी 60,000 गांठ तक पहुंचा। इस साल बारिश अच्छी होने के कारण कपास का उत्पादन काफी अच्छा बताया जा रहा है। ऐसे में खुले कपास में चलते ही कीमत 75,000 रुपए करीबन उम्मीद का बताया जा रहा है, जिसमें 2023 के सीजन से कमियों का कपास भी 1,80,000 गांठों का निर्माण हुआ था, जबकि 2,00,000 गांठों का लक्ष्य जिग्रेंस उद्यान के मार्ग से हुआ। इसी साल खरीदी सीजन में कपास का उत्पादन बढ़ने से 2,00,000 गांठों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से किया गया बलात्कार। अमरावती में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 25 वर्षीय युवक ने बलात्कार किया। नाबालिग के गर्भवती होने की वजह से तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। यह घटना चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में हुई, जिसके चलते चांदूर बाजार पुलिस ने 10 सितंबर की रात आरोपी आकाश परिसर को खिलाफ बलात्कार और प्रॉक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। यह घटना 3 महीने पहले 15 जून को हुई थी। 15 जून को आरोपी बहाने के नाबालिग को अपने घर लेकर आया, वह उसने पीड़ित से बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी, इसी बारे में वह किसी को कुछ बताएंगी तो उसे जान से मार डाला जाएगा। डर की वजह से नाबालिग ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब इसकी अचानक से तबीयत बिगड़ने से यह मामला प्रकाश में आया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त शायद दर्शकों को ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS News। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं।